आज सुप्रशांत हम अपने दर्शकों को एक ऐसी गाथा दिखाएंगे जिसमें थोड़ा सा इतिहास है और थोड़ा सा उपहास है। उपहास है, देख लेना हमारे दर्शकगण कहीं बुरा ना मान जाए। अरे नहीं नहीं, इसलिए तो मैं अपने साथ एक छोटा सा डिस्क्लेमर लाई हूँ। इस नाटक के सभी पात्र काल्पनिक हैं। किसी भी व्यक्ति विशेष को ठेस पहुंचाने की हमारी कोई इच्छा नहीं है। जी हाँ, आज हम आपके सामने लेकर आए हैं अजय शुक्ला जी द्वारा रचित नाटक ताजमहल का टेंडर। हम आपको बताएंगे कि अगर आज के समय में ताजमहल बनाया जाए तो क्या होगा। होना क्या है, मैं तो चाहता हूँ बस पूरी समय हंसी और मजाक बनी रहे। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी विलंब के। दिल के टुकड़े टुकड़े करके मुस्कुरा दे चलिए, जाके जाके तो बताएगा हम जिएंगे किसके लिए। दिल के टुकड़े टुकड़े करके मुस्कुरा दे चलिए। कहाँ चले गई मेरी मोमो मुझे छोड़ करके, कहाँ चले गई? वही हुजूर, ओवर कर लीजिए, मैं हूं ना आपके लिए। एक बनाना पटियाला। अब कितना पिएंगे? ये दुख काहे नहीं खत्म होता बे? अब फिर से जब दुखों का पहाड़ टूट पड़ा है तो पुरानी बातें तो याद आएंगी ही। चलिए देखते हैं कि आखिर क्या चल रहा है शाहजहां के ख्यालों में। चीज तो सरकार का सनम, स्टूपिड। सरकार का ना, सरकार को ना चीज का सनम। सॉरी सॉरी, टंग ऑफ स्लिप हो गया। और महारानी आज कितने का चुना लगा के आ गई? आवाज नीचे। भाई गुलकंद बेगम, अगर आप ना ही बोले तो बेहतर होगा। ये वाला बन जाएगा, आप चिंता मत कीजिए।
पिताजी ये चक्कर नहीं है चाचा। अरे वो चाचा थोड़ा रेस्ट कर लीजिए, नहीं तो रेस्ट इन पीस हो जाइएगा। क्या तो घेरा है आपका चाचा? बेटा तुम्हारी अम्मी जान की एक आखिरी ख्वाहिश थी जो मुझे याद आई है कि उनके मौत के मकबरे को इस दुनिया की सबसे खूबसूरत इमारत के अंदर संजो के रखा जाए। वो भी बेबी पिंक कलर का, बेबी पिंक कलर। चुप रहो यार पिताजी, एक बार आप उन पे भरोसा करके देखिए। बहुत प्रॉफिट यह होगा बेटा तुम्हें। मुझे तो लगता है इतने बड़े शासक की इच्छा तो चुटकियों में पूरी कर दी जाएगी। हाँ हाँ, और जिम्मेदारी भी तो औरंगजेब को दी गई है। तो चलिए बढ़ते हैं हम अपने अगले दृश्य की ओर। आखिर आज के जमाने का औरंगजेब
देख रहा है विनोद कैसे ताजमहल बनाने का काम देखा जा रहा है। खैर काम इतना बड़ा देखा है तो पैसा भी बड़ा ही होगा। वही अपने को क्या, अपना तो पैसा ही पैसा होगा। कॉन्ट्रैक्ट तो भैया जी का ही मिलेगा। उस हिंदी चोर को तो बालू मिट्टी का रेट भी नहीं पता है। अरे जो भी है उसको अपना रेट बढ़िया मालूम है। ए, क्या बात हो रही है, क्या बात हो रही है? लगवा तो देंगे लेकिन यमुना के बगल में रहा है। वहाँ तो हमारा मौसा जी का 15 एकड़ का जमीन है। वो तो सुना पूरा दलदल है, वहाँ तो बिल्डिंग पूरा धस जाएगा। अरे एवरी एक्शन इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन ना, तो जब कुछ धसेगा तभी तो हम सब पड़ेगा ना। अरे वाह, सब हम सब की ख्वाहिश पूरी हुई। हुजूर, राज दरबार से मोहतरमा या मोहतरा कोई तो है, आपसे मिलने आया है। ये क्या आया है, बुलाओ। तो कहां तक पहुंची ताजमहल की तैयारी? गुंबद बन गया, अभी तेरे को बैठाता हूँ उसके ऊपर। वाला है। बस चाय पानी का खर्चा निकल रहा है। तो मेरे भी बिस्किट का इंतजाम करना रे। हाँ हाँ, कौन-कौन चल रहे हैं यहाँ पे, जो मांगोगे मिल जाएगा। बारे भारत की नौकरशाही और बारे भैया जी जैसे ठेकेदार। वाह की बात तो है, इतने बड़े शासक के खजाने का इस्तेमाल पूरा होना चाहिए। अब देखते हैं कि आखिर 30 दिन बाद क्या हुआ, कैसे बना ताजमहल का नक्शा। अरे ताजमहल का नक्शा तो जो भी हो, हमारे दर्शकों ने तो असली ताजमहल देखा है। वैष्णवी, मुझे नहीं लगता तुम इसमें कुछ नया कर पाओगी। अरे प्रशांत, तुम देखो तो आखिर असलियत क्या है। बादा पा मुलाइजा होशियार, तख्ते दूर चश्मे बद्दूर, बादशाह हिंदुस्तान अलम्पना सुल्ताने आरम शाहजहां, दरबारे खास में तशरीफ ला रहे हैं। तो बेटा कहां तक पहुंची ताजमहल के बाद? अरे पिता जरा को बहुत प्राउड फील है। अच्छा बेटा, वो कैसे? मतलब ऐसे इमीडिएटली तो नहीं सोचे हैं, सोचे हैं। बन गया। देखिए पिताजी बोले थे आपको प्राउड फील कराएंगे, चलिए ताजमहल दिखाते हैं। चलो चलिए, कहा मैं लेके आ जाए। अरे पिताजी आपको प्राउड फील कराएंगे, बोले थे ना ताजमहल पोर्टेबल बनवाए, दिखाओ भाई। अरे आने दो भाई, ताजमहल कैसे? अरे लाए है, देखिए तो ये ताजमहल है। अरे देखो ना, काफी हुजूर काफी काफी। ये जन भाई ये भाई ये भाई, अच्छा तो यहां से हम घुसे, यहां गए और यहाँ हम पहुंच गए बाथरूम में। बाथरूम में ये क्या,
अब तुम अपनी अम्मी का मकबरा घुसल खाने बनवाओगे? ये क्या बाबा सिर बना दिया जी? अरे महाराज, इतना बड़ा इमारत बन रहा है तो ऑफिस भी तो बड़ा ही होगा ना। ये ताजमहल कॉर्पोरेशन ऑफिस का नक्शा है। समझा? नहीं, ये नहीं समझा रे। इस बात के लिए हम तुम्हारा सर गरम कर देंगे। माफी हुजूर, माफी। हुजूर, मुमताज बेगम ने ख्वाब भी तो बड़े बड़े देखे हैं, इतना तो करना पड़ेगा। खैर, बाबू जी पर मुझे पूरा भरोसा है, जो भी बनाएंगे अच्छा ही बनाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल, मैं जो भी बनाएगा अच्छा ही बनाएगा। क्या करें गुलकंद बेगम, मुमताज के जाने के बाद से अब बस तुम पर ही भरोसा रहे। कितना दिन का समय चाहिए? 30 दिन। यह समय तक लिया साला, तू कहीं का बेटा? इधर हाँ पिताजी। बेटा तुमसे ना हो पाएगा। खैर 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 खैर, बात तो माल्या साहब की सही है, इतनी बड़ी इमारत बननी है तो एक कॉर्पोरेशन ऑफिस तो बनना जरूरी है। हाँ हाँ, दशकों से भारत में यही तो नियम सा बन गया है। वैसे अब जब कॉर्पोरेशन ऑफिस बन जाए तो ताजमहल जल्दी बन जाएगी। हाँ, पर वो बनने में भी तो पूरे 5 साल लग गए। तो अगले दृश्य में चलते हैं शाहजहां के दरबार और देखते हैं 5 साल बाद क्या हुआ। विकोटरमरिक नहीं कॉस्मेटिक, विकोटरमरिक आयुर्वेदिक क्रीम। वाह, ताजमहल हम बना लेंगे, आप ड्रीम इलेवन में टीम बना लीजिए। आ गया है मार्केट में नया डायमंड लिपस्टिक ट्रांसफर प्रूफ, अब बेबी पिंक कलर में आपके नजदीकी सिनेमा घरों में। बेबी पिंक कलर? बेबी पिंक से याद आया गुलगन, 5 साल हो गए। क्या हुआ ताजमहल का? जरा कॉल लगाना उस चीफ इंजीनियर की पीए को। तो कहां तक पहुंची ताजमहल की तैयारी? अरे काम कहां बचा है, अब तो नाम होगा गुलकंद 6 सितारा होटल का, एकदम गोल कोर्स और रेस कोर्स के बीच में स्विमिंग पूल जिसमें टाइटैनिक डूब जाए, वाटर प्रूफ मछली के साथ, खाना तो ऐसा जैसे जन्नत हो जन्नत। अरे हुजूर पूछ रहे हैं ताजमहल की तैयारी कहाँ तक पहुँची। अरे नींव बनाया था, यमुना मैया बाहर ले गई, ईटा अभी तक दिल्ली पहुँच गया होगा, और जो पैसे आए थे उसमें मैं ये होटल बना लिया जिसमें पैर पसार कर बैठा हूँ, और थोड़े बहुत जो पैसे बचे थे भगवान की कृपा से मेरे बच्चों का एडमिशन करवा दिया डीपीएस आरकेपुरम में। शाबाश, ऐसे ही दिल लगा के काम करते रहो, अजूबा ही है जो बनने वाला है, ताजमहल है कोई मजाक थोड़ी ना है, ऐसे ही दिल लगा के काम करते रहना। ठीक ठीक ठीक, लगता है बन गया ताजमहल। जी हुजूर, कह रहे हैं ढांचा बनकर तैयार है, बस गुंबद लगाना बाकी है। मेरी तो इच्छा हो रही है गुंबद लग जाए, वहां जाके बैठ जाऊं। इसी बात पे उस चीफ इंजीनियर को ताबत पे बुलाया जाए। जी हुजूर। होशियार, तारीख पे तारीख देने वाले लोगों को, ऑफिस के चक्कर लगवाने वाले, दबा के पैसा कमाने वाले लोगों को, झूठे ख्वाब दिखाने वाले, यूपी पीडब्ल्यूडी चीफ इंजीनियर हाजिर हो। बन गया, काहे को मत नाम करता रे बाबा, मैं तो देव मानुष है। लगता है बन गया ताजमहल, चलो फिर ताजमहल देखने। चलो चलो ताजमहल कंस्ट्रक्शन कॉर्पोरेशन का ऑफिस देखने। ऑफिस? अरे हुजूर, ताजमहल का क्या है, इधर ऑफिस का उद्घाटन हुआ और इधर ताजमहल बनके तैयार।
बस हुजूर कुछ दिक्कतें आ रही है। वो सब मैं नहीं जानता, जो भी दिक्कतें आ रही हैं वो गुलकन देख लेगी। अच्छा चलो मैं चला फन फेस्ट के कूपन बेचने। मुमताज होती मेरी सारे कूपन बेच लेती। इंजीनियर अब क्या स्कीम लाया है? अरे वो झोपड़ी में रहने वालों का काय कल खत्म नहीं होता है। उठा तो रे, मैं देखती है। मल्लिकाए हुस्न जनता की देवता, गरीबों की मूरत कमसू कर गाओकर हाजिर हो। माता जी ये क्या हो रहा है? गुलकर बेगम आपके होते हुए मुझे यहाँ बुलाया गया और मेरे गरीब दुखियारे बच्चों को बेघर किया जा रहा है, कैसे सहूं मैं इतना दुख? वैसे मैडम आपके कितने बच्चे होंगे? 1420। एक जन्म के हैं? अरे बच्चों का छोड़ो अपना सोचो। सारा के कपड़े, शुगर की लिपस्टिक और जीपीटू की सैंड, सोचो सोचो। क्या 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 ये क्या कह रहे हैं आप? ये सुनने से पहले मैं मर क्यों नहीं गई? अभी भी देर नहीं हुआ रे बाबा, ये देवा। अच्छा चलो, ताजमहल में इतना जरूरी है ही तो मुझे भी कुछ कहना है। देख रहे हो सर, लाइन पे आ गई। गरीबों को गरीबों की झोपड़ी हटाने से अच्छा उनके लिए नए घर बनवा दीजिए। और घर बनवा ही रहे हैं तो मेरी भी 15 एकड़ की जमीन खाली है, वही बनवा दीजिए ना। वो क्या है, गरीबों का भला भी हो जाएगा और मेरे भी कुछ शौक पूरे हो जाएंगे। हाँ हाँ, करते हैं तुम्हारे भी शौक का इंतजाम। तब तक समय तो अपना ये दाम जाम। वैसे बेगम जान, जरा ज़ारा और कोची का UPI कर दीजिएगा। भाग जा, भाग। चलो एक माता की तो खत्म हुई, जो और भी कोई है क्या? अरे हाँ, वो पॉल्यूशन बोर्ड वाले चिल्ला चाउट कर रहे हैं। अरे उनको भी बुला ही लो, देखते हैं क्या बोल रहे हैं। होशियार, एयर पॉल्यूशन के नाम पे दबा के नॉइस पॉल्यूशन करने वाले, ग्रीन रिवॉल्यूशन लाने वाले पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड चेयरमैन हाजिर हो। नमस्ते नमस्ते नमस्ते। अरे पोल्यूशन कंट्रोल वालों को क्या दिक्कत है? कोई कंट्री थोड़ी ना बन रही है। अरे दिक्कत है जी, बहुत दिक्कत है। मुंह से सुपारी निकाल लो बात। ये तो तुम चाचा चिमनी लगा रहे हो, इसका धुआं कहाँ जाएगा? अरे बन तो मत बना रहे हैं, धुआं कहाँ से? अच्छा तो ये ताजमहल बनाते समय जो मलबा निकलेगा वो उसका क्या करोगे? आपसे पहले जो मैडम आई थी ना, वो सारा मलबा लेके जाएगी और उससे झोपड़ी बनाएगी। अच्छा तो जो 100 साल बाद लोग देखने आएंगे, चिप्स कुरकुरे खाएंगे, उसका कचरा तो तुम यमुना मैया में फेंक दोगे और मैं अपनी यमुना मैया को कतई दूषित होने नहीं दूंगा। आफ्टर ऑल ये धरती मेरी माँ है। तुम्हारे भी पॉल्यूशन बोर्ड में ग्रीन रिवॉल्यूशन लाते हैं तुम्हारे लिए पैसे। अरे खड़े क्या हो, बाद में मिलेगा, जाओ उठो। शरबत लाया जाए, तीन आइस क्यूब्स। एक शायद उन्होंने क्या बोली। लगता है ताजमहल बन ही जाएगा। हाँ हाँ क्यों नहीं, इस बार तो सीधा ताजमहल के दर्शन होंगे। अब अगर असलियत में 25 साल लग गए थे तो चलो मानते हैं इस बार 30 साल में तो पूरा काम ताजमहल का हो ही जाएगा। तो अंतिम दृश्य में देखते हैं कि आखिर 30 वर्षों बाद ताजमहल की कार्य कहाँ तक पहुँची।
जो वादा किया वो निभाना पड़ेगा, रोके जमाना चाहे रोके खुदा तुमको आना पड़ेगा, जो वादा किया वो निभाना पड़ेगा। जिले लागी आपके ताजमहल बनाते बनाते तो मेरी रूह बूढ़ी हो गई, लेकिन फिर भी आप एक ताजमहल ना बना सके, मेरी इतनी सी ख्वाहिश पूरी ना कर सके। इससे अच्छा तो मैं वो केटीएम वाले किट्टू से शादी कर लेती। उसके बाल भी बेबी पिंक कलर के थे और उसके पास तो वो डीएसएलआर वाला कैमरा भी था। कम से कम वो उससे मेरी फोटो तो खींचता। खैर छोड़िए, अब ये सब बोलने का क्या फायदा, अब मुझे आपसे कोई उम्मीद नहीं रही। It's so hot in this earth. यमदूत भाई एक ग्लास मैंगो जूस लाना प्लीज। इस विचार में डूबे हैं आप अजय? इतने सालों हो गए बेटा, कहाँ गया तुम्हारा ताजमहल? ताजमहल 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 नाटक मजा कर भाई आपके ताजमहल के नाम पे। ये क्या तरीका है अपने अब्बा जान से बात करने का? बोलूंगा क्यों नहीं बोलूं, ये देख रहे हो कॉस्ट्यूम तुम पहने हो शाहजहां का, मैं औरंगजेब हूँ, माला है बस मेरे पास, पूरा पैसा तो लगा दिया ताजमहल के नाम पे, ये तलवार छोड़ दी मेरे लिए बस। थ्रोन हुआ करती थी, आयरन थ्रोन बना के रख दियो, गद्दा तक बेच दिया ताजमहल के नाम पे। हो गया भाई, हो गया बस, समेटो समेटो साथ को पैक करेगा बस, बहुत नाटक हुआ इसका। पिताजी चलिए रंगून करिएगा वहां से हमको टेलीफोन। हाँ भाई आ गया स्वाद, बन गया ताजमहल। Thank you.